दोस्तों फाइनली जो डिलीवर हो चुकी है हमारी पावर बैंक फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई है। 20,000 mAh पावर बैंक है, 22.5 वाट की है। और इसको हम जरा और ओपन करके इसका स्पेसिफिकेशन और कलर वगैरह देख लेते हैं। ये पावर बैंक हमने मंगवाई हुई है जो कि फास्ट चार्जिंग 22.5 वाट, ये फास्ट चार्जिंग है। ड्यूअल चार्जिंग कर सकते हैं आप, आउटपुट पोर्ट है। और ये सारी चीज़ें जो लिखी है आप उसको पॉज वीडियो करके देख लीजिए, फ्लिपकार्ट से मंगवाइए। और ये इसके जो भी है डबल यूएसबी पोर्ट भी है इसमें दिए हुए, 30 मिनट्स 50% चार्ज मोबाइल को करेगी, ये सब बता रहे हैं। ड्यूरेबल एंड स्लिक डिज़ाइन है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, टेम्परेचर रेसिस्टेंस है, रिसेट मैकेनिज्म है और ओवरलोडेड प्रोटेक्टेड भी इसमें दिया है। और भी फोटो है शायद, यूएसबी एनेबल डिवाइस है और मेड इन इंडिया का भी यहाँ पे BIS सर्टिफाइड है। और ये देखिए 9,999 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्काउंट होके ये आया हुआ है, यानी कि मैंने जो प्राइस आपको बताया देख लीजिए, तो हमने जो जिसको खरीदा है कुछ डिस्काउंट प्राइस में ही लिया है। यहाँ पे 9,999, 100 रुपया यहाँ पे डिस्काउंट करके 8,990 में ये हमें मिला है, यानी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ पे हमें मिला था। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं पावर बैंक को। दोस्तों ये बॉक्स है पावर बैंक फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाइक से लिया हुआ है, और इसके पीछे जो भी स्पेसिफिकेशन है वो एक बार आप देख लीजिए। पूरा स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। इसको ओपन करेंगे और अंदर ये पावर बैंक है, ठीक है, इसको मैं एक बार निकाल लेता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों एक प्लेट है और प्लेट के अंदर एक पन्नी में लपेटी हुई पावर बैंक है, साथ में एक केबल भी दिया है जो कि सी टाइप है चार्जिंग करने के लिए। तो चलिए निकालते हैं इसमें से इसको। ओके दोस्तों, इसकी पन्नी निकाल ली है, थोड़ा लुक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा PVC बॉडी है, यहाँ पे लोगो दिया है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का, और यहाँ पे इंडिकेटर दिया है, 1, 2, 3, 4 इंडिकेटर दिया है बैटरी का। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और यहाँ पे भी आप पढ़ लीजिए पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप की कुछ आती है। और यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट सिर्फ इस साइड है, इसमें कोई बैटरी लाइट नहीं है, LED लाइट नहीं है इसमें। यहाँ पे 2 USB, एक स्मॉल USB, एक सी पिन है। ठीक है, यही चीजें इसमें दी गई है। और 20,000 mAh की ये बैटरी है, और साथ में एक यूजर मैनुअल भी है। तो ये रहा भाई यूजर मैनुअल, 22.5 पावर बैंक मॉडल नंबर लिखा है, और एक पेज का ही यूजर मैनुअल है, शायद एक ही पेज है इसमें पूरा, और एक पेज में ये पूरा लिखा हुआ है। आपको पढ़ना है तो जरा पढ़ लीजिएगा, मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही सामान है। अब इसकी साइज देख लेते हैं क्या साइज है, क्योंकि साइज बहुत मैटर करते हैं बहुत लोगों के लिए। तो 5 इंच से थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा है, यानी 13 सेंटीमीटर के आसपास, ये 13 नहीं 14, 13.5 सेंटीमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। और इसकी जो विड्थ है वो भी आप देख लीजिए, तो 7 सेंटीमीटर तक की इसकी विड्थ है, 7 सेंटीमीटर तक की इसकी विड्थ है। और हाइट की बात करें तो हाइट में आपको बता दूं, ये ऑलमोस्ट 2.5 इंच के आसपास की हाइट है इसकी, 2.5 इंच के आसपास की इसकी हाइट है। तो ये इसका साइज है। ठीक है, अभी इससे हम क्या करते हैं, कोई मोबाइल कनेक्ट करके चला के देखते हैं। ओके दोस्तों, मैंने एक मोबाइल चार्जिंग में उससे लगाया और चार्ज हो रहा है मोबाइल।
ठीक है, ये केबल देखिए यहाँ से यहाँ लगाया ये केबल और चार्ज हो रहा है। दूसरे यूएसबी में हम क्या करते हैं, एक मेरे पास 3 वाट का यूएसबी बल्ब है, ये यूएसबी बल्ब है, तो इसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। ठीक, ओके, दूसरे में हमने क्या किया, एक यूएसबी बल्ब लगाया और उसको जलाया, तो अब देख सकते हैं यूएसबी बल्ब जल रहा है, काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है। तो ये 20,000 mAh बैटरी है, इसको जब आता है तो पहले फुल चार्ज कर लेना है, ऐसा मैनुअल में लिखा है, पहले पूरा चार्ज कर लीजिए उसके बाद उसको यूज कीजिए। तो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है, तो वो भी यहाँ पे देखेंगे। एक मोबाइल हमने फास्ट चार्जिंग जो है वो लगा के देखा है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग 50 मिनट्स में यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो उसको ट्राई किया लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है यहाँ पे हमें, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है और डिस्काउंट में भी मिल रही है। और ये पावर बैंक मैंने पहले भी यूज की हुई है, ये वाली नहीं दूसरी मॉडल, लेकिन फ्लिपकार्ट की स्मार्ट बाई से ली हुई पावर बैंक मैंने काफ़ी टाइम तक यूज की, कभी भी ख़राब नहीं हुई थी वो, लेकिन वो प्लेन में लगेज में चली गई थी तो वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, इसलिए मुझे नहीं लेनी पड़ी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने और भी प्रोडक्ट आगे रिव्यू किए हुए हैं, तो वो सारे वीडियो भी आप जरूर देखिए।